गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से एक नए बच्चों से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। ये बच्चे सक्षम में डेवलपमेंट सेंटर पर 5 से 6 क्लास अटेंड करने के बाद जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो रिजल्ट है बहुत ही अजब गजब है। आप देखेंगे बच्चे किस हद तक कलर को पहचानना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, नोटों को पढ़ना, नोटों के छोटे छोटे नंबरों को पढ़ना, पैरों से न्यूज़पेपर पढ़ना, इस तरह की गतिविधियों को कितना हद तक कर पाते हैं, अब इसके बारे में इन बच्चों से जानेंगे। सबसे पहले मैं आप बच्चों का आपसे मिलवाऊंगा। ये बच्चे अपना नाम और एड्रेस बताएंगे। पहले मैं पहले बेटी से मिलवाऊंगा। बेटी, आपका क्या नाम है? I am Archana and I am in 10th standard and I live in Mathura, Narsingh Vihar city. आपने कितनी क्लास अटेंड की है अभी यहाँ पे? मैंने अभी 6 क्लासेस अटेंड किया। ओके ओके, थैंक यू बेटा। अभी भी दूसरे बच्चे से मिल पाते हैं। बेटा अपने बारे में अपना इंट्रो बताएं। My name is Ankush and I am in class 8th. I lived in Mathura in Narsingh Vihar colony. बेटा आपने कितनी क्लास अटेंड की है यहाँ पर? सर 6 क्लासेस। दोनों बच्चों ने ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन की 6 क्लास अटेंड की हैं और आप रिजल्ट देखेंगे बहुत ही कंफर्म रिजल्ट है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होने वाला। छोटी छोटी चीज़ों को भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं आसानी से। तो मैं आगे वीडियो शुरू करने से पहले और बताना चाहता हूँ, ये दोनों बच्चे, ये दोनों सिबलिंग हैं, दोनों भाई बहन हैं और ये हमारे सेंटर पे इन्होंने DMI टेस्ट कराया, उसके बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास शुरू की। तो दोनों का रिजल्ट इतना अच्छा है, आप समझ सकते हैं कि दोनों भाई बहनों का रिजल्ट, चलो बच्चे दो हैं एक का आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा है वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैम पट्टी बांधो प्लीज़। इन बच्चों के हम एक नहीं दो दो पट्टियाँ बंधवाएंगे जिससे कि बच्चों को गलती से कुछ नज़र आए, आँखों में देख पाए ट्रांसपेरेंट, उसको काउंटर करने के लिए दो दो पट्टियां बंधवाई जा रही हैं। आप व्यूअर्स देख पा रहे होंगे बच्चों को दो दो पट्टियां बांधी गई हैं। बेटा कंफर्टेबल हो आप? ओके आप ओके। अभी हम बच्चों को सबसे पहले कुछ आइटम्स हाथ में देंगे, बच्चे हमें कलर रिकॉग्नाइज करके बताएंगे कि कौन सा कलर है। लो बेटा, कौन सा है? रेड। रेड, ओके सही। सब ब्लू। एक मिनट, हाँ कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू, ओके बहुत बढ़िया। हाँ कौन सा है? पैरेट ग्रीन। पैरेट ग्रीन, ओके बहुत सही। सर येलो। येलो, ओके गुड बहुत बढ़िया। ऑरेंज। कौन सा है? ऑरेंज, ओके गुड सर्वस, ऑरेंज कलर है। सर रेड। कौन सा है? रेड। रेड कलर, ओके गुड सर्वस। अभी मैंने बेटा आपके हाथ में कुछ कार्ड्स दिए हैं, आपको ये बताना है कार्ड्स के ऊपर क्या है, कौन कौन से कलर हैं। सर
जी सर, इस कार्ड पे बैकग्राउंड वाइट कलर का है और इस पे येलो कलर का येलो कलर लिखा हुआ है और येलो कलर का एक पेंटिंग बनी हुई है। बच्चा बता रहा है कि वाइट, आप देख पा रहे हैं व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कार्ड वाइट कलर का है, येलो से कुछ बना हुआ है और येलो ही लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। बच्चा इतने तक बता रहा है बैकग्राउंड कलर, साथ में जो राइटिंग जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी बच्चा बता पा रहा है। ओके गुड, हाँ यस बताएं। इसमें एक ब्लू कलर की ड्रॉप बनी है और इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है, इस पर ब्लू भी लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। देखो दूसरे बेटी ने भी सही बताया, आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की एक ड्रॉप टाइप बनी हुई है और वाइट बैकग्राउंड है और ब्लू लिखा हुआ है। दोनों बच्चों ने एकदम सही सटीक बताया एकदम। अभी हम बच्चों को थोड़ा सा और कुछ एक आइटम देने वाले हैं जो बताएंगे बच्चे कि ये कौन कौन से कलर हैं। कौन सा कलर है? पिंक कलर। ओके बिल्कुल सही। डार्क ग्रीन। कौन सा है? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन बिल्कुल सही है। अभी हम कुछ और नया थोड़ा टफ करने वाले हैं बच्चों के लिए, देखते हैं बच्चे कितना हद तक बता पाते हैं। बेटा ये बताओ, ये कागज का कुछ टुकड़ा है आपके हाथ में, बताओ ये क्या है? ये क्या है कागज का टुकड़ा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, इसके बारे में बताओ। 20 रुपीज़ का 500। बेटा यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, आप नंबर बताओ क्या लिखे हैं इस पे, पूरे नंबर पढ़ के बताओ आप भी। हाँ सिक्स ए बी नाइन टू सिक्स सेवन नाइन। व्यूअर्स बेटी ने बिल्कुल सही बताया, 6AB926679। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, वो नंबर शायद 500 का नोट है जैसा कि उन्होंने बताया, तो नंबर आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, आप पढ़ पा रहे हैं तसल, इसको देखो ये करेक्ट नंबर इस बेटी ने बताया है जो कि बिल्कुल सही और दुरुस्त है। हाँ सेवन सेवन एट एट ए ए सिक्स 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 जीरो जीरो फाइव फाइव नाइन नाइन थ्री थ्री। इस बेटे ने भी बिल्कुल सही बताया, 20 रुपीज़ का नोट बताया था इसने, 20 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ का नोट है, आप तो देख पा रहे हैं इसमें सही सही एकदम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपके, देखो यही नंबर इन्होंने पढ़ के बताया था, तो ये आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको करके बताया। ओके अभी हम बच्चों को और कुछ बताने वाले हैं, कुछ और थोड़ा टफ करने की कोशिश करेंगे हम बच्चों को। ये बेटा ये लो अपने हाथ में, ये को बताओ इस पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। ओके इसके ऊपर बताओ भी ये क्या लिखा हुआ है जो हेडिंग है इसकी, ये वाला ये वाला। हाँ सर ये दैनिक जागरण है। आप इसमें बताओ ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बताओ पढ़ के। पूरा पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ क्या बता रहे हो? अ प र तु भा। हाँ बताओ आप बताओ। आरक्षण। हाँ योग्यता। हाँ मैं मैं बाधक
माधव नहीं। ओके शाबाश। देखो व्यूअर्स में आपको दिखा देना चाहता हूँ, पहले तो दैनिक जागरण था, फिर आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है क्लियर, आप देख पा रहे होंगे, जो कि बच्ची ने सही पढ़ा है एकदम। ओके बेटा मैं थोड़ा सा और उसको टफ करना चाहूँगा, एक मिनट, ये लो बेटा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट में, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, हाँ बताओ तुम बताओ। सर भारतीय भारतीय किशोर की आजादी को, हाँ दर से पढ़ें दोबारा से पढ़ो, भारत किशोर की आजादी के, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपके नीचे है, लिए चीनी फौज पर दबाव ठीक है बनाया। व्यूअर्स आप देख पा रहे हैं इस बच्चे ने बहुत छोटा लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ के दिखाया, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। अपहृत भारतीय किशोर की आज़ादी के लिए सेना ने चीनी फौज पर दबाव बनाया। मैं आपको कैमरे के आगे दिखाना चाहता हूँ, पहले तो बच्चे ने बताया दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उसकी जो हेडिंग है न्यूज़ की वो बच्चे ने पढ़ के बताई है, आप सब देख पा रहे हैं इसको, ये बच्चे ने इतने तक पढ़ पा रहे हैं बच्चे, बंद आँखों से दो दो पट्टी बनी हुई है, बहुत ही अद्भुत चमत्कार इसको कह सकते हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है उसको इस तरह से ट्रेंड किया जाए। हाँ बेटा आप बताएं। यूएई आतंकी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन। बहुत बहुत अच्छे बेटा। व्यूअर्स आप मैं दोबारा देखो, दूसरी बेटी ने दोबारा कुछ एक सब हेडिंग थी उसको बहुत छोटी लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे इसको बिल्कुल सही पढ़ा है, अगर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँ इसको पढ़ के, तो इस पर लिखा हुआ है यूएई आतंकी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन। तो बच्चे इतने हद तक आँखें बंद करके, मतलब इनका जो मस्तिष्क है वो चीज़ें सेंस कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको बच्चों के लिए थोड़ी सी और हर्डल बनाने वाला हूँ, अब बच्चे पैर से पढ़ के बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। दोनों बेटे खड़े हो जाओ आप लोग, छूट पे लो आगे, हाँ इसको यहाँ पढ़ो, ये क्या लिखा है। ये पढ़ो पहले, क्या आईडी लिखी है यहाँ पर, और लाओ आगे और आगे और आगे, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ, हाँ तुम यहाँ से पढ़ो, छोड़ो अमर छोड़ दो, बड़ी वाली हेडिंग वो दबी हुई है, आप ये पढ़ो यहाँ से, ये क्या है। क्या लिखा है दैनिक जागरण। ओके इसके नीचे बेटा एक सब हेडिंग है, वो क्या लिखा है इसको पढ़ के बताओ थोड़ा सा और नीचे, यहाँ से, हाँ कुछ ट्राई करो बेटा, नहीं हुआ। ओके अभी जस्ट वेट Thank you.
बताओ ये क्या पढ़ा, पेन लाओ, हाँ यहाँ पर रखो, रखो पैर आगे लाओ, उठाओ, हाँ ये बताओ ये क्या लिखा है, हाँ बताओ क्या लिखा है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसके बेटा नीचे कुछ लिखा है वो पढ़ पाएंगे आप, हाँ ये क्या लिखा है इंग्लिश में, मैं 36 पी, मैं 33 सीटें भाजपा ने जीती। एक मिनट, अब इस बेटी ने पैर से पढ़ के बताया, मैं ऑडियंस व्यूअर्स आपको दिखा देना, बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत छोटा आप देख पा रहे होंगे। इस बेटी ने पढ़ के बताया बिप चुनाव में 36 में से 33 सीटें भाजपा ने जीती, जो कि पैर से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों के जो साइंस हैं इतने एक्टिव हो चुके हैं, ये बच्चे बंद आँख करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। बेटे बैठ जाओ तुम, हाँ बताओ, उठ रहा है, चलो अब पढ़ो, पिलाओ पैर लाओ, हाँ बताओ ये क्या लिखा है इंग्लिश में, हाँ पी आर ओ टी पी ओ एन एन। बैठ जाओ व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस बच्चे ने हिंदुस्तान भी पढ़ा, साथ में कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, वो आप देख पा रहे होंगे पी आर ओ टी ओ एन। तो इन बच्चों के अगर चीज़ों को समराइज किया जाए, साइंस इतने एक्टिव हो चुके हैं कि बच्चे कुछ भी आंख बंद करके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे दोनों सिबलिंग हैं, दोनों भाई बहन हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है चार बच्चे आते हैं, दो बच्चे आते हैं तो एक बच्चे का रिजल्ट आए, ऐसा नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, हर कोई बच्चा अगर करना चाहे वो कर सकता है। तो मेरा सभी व्यूअर्स से यही अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को कम से कम DMIT टेस्ट कराएँ, और मिड ब्रेन की अगर आप मथुरा के आसपास के रहने वाले हैं तो क्लास के लिए ज़रूर भेजें, जिससे कि बच्चे का कंसंट्रेशन, पढ़ाई में रुचि, बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके फायदे होने वाले हैं, जो कि भविष्य में बच्चा एकेडमिक बहुत अच्छा करने वाला है। ओके, थैंक्स व्यूअर्स, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया है वीडियो देखने के लिए, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।